वर्धा बाजार में न्यूको सीमेंट की रेलवे साइडिंग में काम के दौरान एक श्रमिक की मौत हो गई। श्रमिक कंपनी में गेटकीपर था, गेटकीपर की अचानक तबियत बिगड़ी लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने न्यूको कंपनी के गेट पर लाश को रखकर प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की है। इस मामले में क्षेत्रीय विधायक प्रमोद शर्मा के दखल के बाद कंपनी में नौकरी और मुआवजे का आश्वासन दिया है, जिसके बाद परिजनों ने धरना खत्म किया। हित में प्रयास करते रहे। मैं आज भी बात बोलता हूँ कि एक न्यूको लफार्क प्लांट जितना अभी ये है, ये सबसे ज्यादा श्रमिकों का यहाँ पे शोषण हो रहा है यहाँ, इसलिए आगे भी इनको आगाह करें कि किसी प्रकार का शोषण ना हो, मजदूर इस प्रकार के किसी मौत ना हो, इलाज के अभाव में। आज मांग पूरा हुआ सब मजदूर भाइयों का, पढ़ानों को देखे भी हैं और सबके सामने बीच में हुई से ये बात है कि दोनों बच्ची के खाता में 55 लाख रुपए और अभी 10 हजार में 1 लाख रुपए। उनकी दो आश्रित बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं और कन्याओं को सहायता के तौर पे कॉन्ट्रेक्टर के ही थ्रू 5-5 लाख रुपए का एक FD और तुरंत जो फ्यूनरल और दसगात्र के लिए भी सहायता 65,000 रुपए का मुआवजा दिया। सुहागपुर में अपनी